दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का टॉपिक हिंदू एडिटोरियल का है इंजेक्टिंग कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तो जानते ही, आत्मविश्वास। इंजेक्टिंग मतलब उसमें भरना, इंजेक्ट करना, जैसे सुई को इंजेक्ट करते हैं आप अपने शरीर में। तो इंजेक्टिंग कॉन्फिडेंस यानी कि भरोसा जगाना। इंडिया मस्ट इंश्योर अप्रेजल ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द वैक्सीन इज डिसमिनेटेड वाइडली। यहाँ पर दो तीन चीज़ का समझिए। अप्रेजल का मतलब होता है मूल्यांकन, प्रोग्रेस का मतलब होता है एबिलिटी या स्किल, और डिसमिनेटेड का मतलब होता है प्रसारित करना किसी चीज़ को। तो भारत को क्या करना चाहिए, भारत को इंश्योर करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए। क्या सुनिश्चित करना चाहिए? अप्रेजल ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द वैक्सीन इज डिसमिनेटेड वाइडली। अप्रेजल के लिए ये इज आया है, ठीक है ना। यानी कि इंडिया को इंश्योर करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि जो वैक्सीन का जो एबिलिटी है या जो उसकी एफिकेसी है, उसका मूल्यांकन को जो है प्रसारित किया जाना चाहिए व्यापक रूप से। इंडिया बिगेन द लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव इन इट्स हिस्ट्री विथ ओवर 2 लाख पीपल वैक्सीनेटेड अक्रॉस द कंट्री इन 3,350 सेशंस ऑन द फर्स्ट डे। यानी कि भारत ने शुरू किया है क्या, द लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव, यानी कि सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इन इट्स हिस्ट्री, अपने इतिहास में, जिसमें ओवर 2 लाख पीपल, जिसमें 2 लाख से ज़्यादा लोग को जो है वैक्सीनेट किया गया है, ठीक है ना। यानी कि टीकाकरण किया गया है, यानी कि टीका दी गई है उन्हें अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर में, इन 3,350 सेशंस, मतलब 3,350 सत्रों में, ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन। कोविशील्ड मैन्युफैक्चर्ड एट द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वॉज अवेलेबल इन ऑल स्टेट्स, वेयर एज ओनली 12 स्टेट्स हैड वैक्सीनेशन साइट्स वेयर भारत बायोटेक्स कोवैक्सीन वॉज एडमिनिस्टर्ड। कहा जा रहा है कि ये जो कोविशील्ड जिसको मैन्युफैक्चर किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में, ठीक है ना, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में जो निर्मित किया गया कोविशील्ड है, वो अवेलेबल था, उपलब्ध था इन ऑल स्टेट, सारे राज्यों में, जबकि केवल 12 राज्यों में जो है वैक्सीनेशन के साइट्स थे, यानी कि टीकाकरण का जो स्थान था या स्थल था, जहाँ पर भारत बायोटेक का जो है कोवैक्सीन को जो है वो दिया गया, उसे एडमिनिस्टर का मतलब दिया जाना यहाँ, है ना। इन द फर्स्ट ट्रांच ऑफ वैक्सीन्स, मतलब कि ये जो टीके के पहले खेप में, ठीक है ना, टीके के पहले खेप में देर आर 11 मिलियन डोजेज ऑफ कोविशील्ड। यानी कि कोविशील्ड के कितने डोजेज थे, 11 मिलियन खुराक थे, और 5.5 मिलियन ऑफ कोवैक्सीन, और कोवैक्सीन के जो थे वो 5.5 मिलियन थे, ठीक है, है। एंड दैट विल बी एडमिनिस्टर्ड, जिसे दिया जाएगा किसे, ये जो डोज दिया जाएगा किसे दिया जाएगा, हेल्थ केयर वर्कर्स को दिया जाएगा, सैनिटेशन वर्कर्स को दिया जाएगा, और म्यूनिसिपल वर्कर्स को दिया जाएगा इन द कमिंग डेज, आने वाले दिनों में। द फर्स्ट डे ऑफ द वैक्सीन प्रोग्राम इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंक्लूडेड सेरेमोनियल इनोकुलेशंस अक्रॉस द कंट्री, ठीक है ना। ये जो प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा मतलब कि इनॉग्रेट किया गया, एक तरीके से उद्घाटन किया गया जो फर्स्ट डे का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, ठीक है ना। वैक्सीनेशन प्रोग्राम का पहला दिन जो है, जैसे कि इनॉग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा, उसमें शामिल किया है सेरेमोनियल इनोकुलेशंस अक्रॉस द कंट्री। इनोकुलेशन का मतलब ही होता है वैक्सीनेशन, ठीक है ना। तो एक समारोहपूर्ण तरीके से इनोकुलेशंस था पूरे देश भर में, मतलब कि टीकाकरण का एक समारोह था पूरे देश भर में, ठीक है। ये फर्स्ट डे के जो वैक्सीन प्रोग्राम था, ठीक है। इट इज़ सिग्निफिकेंट, ये महत्वपूर्ण है, दैट इंडिया हैज़ नॉट लैग्ड बिहाइंड एनी अदर कंट्री इन इंश्योरिंग दैट फ्रंटलाइन पर्सनल स्टैंड टू गेट वैक्सीनेटेड। ये महत्वपूर्ण है कि इंडिया जो है, भारत जो है, वो पीछे नहीं रहा है किसी भी दूसरे अन्य कंट्री से इस बात को सुनिश्चित करने में कि जो फ्रंटलाइन पर्सनल है, जो भी फ्रंटलाइन जो
आगे जो खड़े रहे इसमें, तो वो जो पर्सकर्मी जो हैं वो उन्हें जो है वैक्सीनेट किया जाएगा, ठीक है ना। स्टैंड टू गेट वैक्सीनेटेड। इट इज़ ओनली अ ईयर सिंस द फर्स्ट रिपोर्ट्स ऑफ द नोवेल कोरोना वायरस पैंडेमिक अप्रोचिंग इंडिया सरफेस्ट, एंड दैट जस्ट 12 सब्सिक्वेंट मंथ्स ऑफ अनसर्टेनिटी, ट्रेजेडी एंड अपहीवल हैव रिजल्टेड इन प्रॉमिसिंग वैक्सीन विद द पोटेंशियल टू सेव मैनी लाइफ एंड स्पार्क होप एंड ऑप्टिमिज्म इन मिलियंस। कहा जाए ये केवल एक साल है जब से पहला जो रिपोर्ट आई थी नोवेल कोरोना वायरस पैंडेमिक का इंडिया में, ठीक है ना। मतलब कि इंडिया आने वाला जो पहला नोवेल कोरोना वायरस पैंडेमिक का जो रिपोर्ट्स आया था, उसके बाद से यह एक साल हुआ है जब ये, मतलब कि ये जो रिपोर्ट्स जो है ये सामने आया था, सरफेस हुआ था। एंड दैट जस्ट 12 सब्सिक्वेंट मंथ्स ऑफ अनसर्टेनिटी, ट्रेजेडी एंड अपहीवल, और केवल आने वाले जो 12 महीने थे अनिश्चितता के, त्रासदी के और उथल पुथल के, जिसके वजह से जो है एक प्रॉमिसिंग वैक्सीन्स आए, जिसके वजह से, जिसके परिणाम स्वरूप जो है एक प्रॉमिसिंग, मतलब कि एक आशा, मतलब कि एक आशावादी वैक्सीन्स आया विद द पोटेंशियल, जिसमें क्षमता जो थी, यह क्षमता जो है टू सेव मैनी लाइव्स, कई जिंदगियों को बचाने की क्षमता है, और एंड स्पार्क होप एंड ऑप्टिमिज्म, और आशा और आशावाद का जो है वो उत्पन्न करने का उसमें पोटेंशियल है इन मिलियंस, मतलब लाखों लोगों में। दिस इज़ अ कमेंडेबल अचीवमेंट, ये जो है प्रशंसनीय एक उपलब्धि है। हालांकि वन कैन नॉट लूज साइट ऑफ द फैक्ट, हालांकि कोई जो है इस बात की अनदेखी नहीं कर सकता है कि दैट दिस इज़ अ मैराथन, ये जो है एक मैराथन है, एक लंबी प्रक्रिया है, एक लंबी गतिविधि है। द ऑप्टिमिज्म ऑफ डे वन हैज़ ऑलमोस्ट नो बियरिंग ऑन द डेज दैट लाई अहेड। ये जो ऑप्टिमिज्म जो है एक दिन का, डे वन का, मतलब पहले दिन का जो आशावादी या आशावाद जो हैज़ ऑलमोस्ट नो बियरिंग, उसका कोई असर नहीं होता है ऑन द डेज दैट लाई अहेड, उन दिनों में जो आगे आने वाले हैं। इंडियाज़ इमीडिएट प्लान, भारत का जो तत्काल की जो योजना है, एज हैज़ बिन अनाउंस, जैसा कि अनाउंस किया गया है, वो क्या है, इज़ टू इनोकुलेट 3 करोड़ फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स, यानी कि 3 करोड़ फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को इनोकुलेट करना है, यानी कि वैक्सीनेट करना है, एंड लेटर 27 करोड़ ऑफ दोज, ठीक है, मोस्ट वल्नरेबल टू द डिजीज़ बाय जुलाई, और बाद में जो है 27 करोड़ उन लोगों को करना है जो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हैं, यानी कि इस चीज़ से पीड़ित हैं, इस डिजीज़ से, बाय जुलाई, जुलाई तक। अ लॉट इज़ एक्सपेक्टेड टू चेंज इवन बिफोर दिस हेडलाइन, बहुत कुछ जो है उम्मीद है बदलने की इस समय सीमा से पहले ही, ठीक है। एस्टेब्लिशिंग द एफिकेसी बेस्ड ऑन फाइनल एनालिसिस ऑफ फेज 3 ट्रायल्स एंड फुल लाइसेंसियर मे टेक मंथ्स। कहा जा रहा है ये जो एफिकेसी को, ये जो प्रभावकारिता है उसको स्थापित करना, जो कि आधारित होगा फाइनल एनालिसिस ऑफ फेज 3 ट्रायल्स, यानी कि तीसरे चरण के जो ट्रायल्स किए जाएंगे उसके अंतिम जो एनालिसिस, विश्लेषण होगा, उस पर आधारित जो एफिकेसी को, मतलब उस पर आधारित जो एफिकेसी होगी उसको बनाए रखना या उसको स्थापित करना, और फुल लाइसेंसियर को, यानी कि लाइसेंस और लाइसेंसर, मतलब कि क्या होता है, दोनों में अंतर, कि एक होता है आपको ग्रांट की जाती है अथॉरिटी, अथॉरिटी ग्रांट की जाती है पर्टिकुलर अथॉरिटी के द्वारा, कि आप जो है इस चीज़ का, आपके पास पावर है और आप इसको चला सकते हैं, लेकिन इसको इस तरह से फंक्शन करना है, और क्या मतलब कि इसमें आपको कोई, मतलब क्या इसको, इसमें आप कह सकते हैं जो प्रक्रियाएं अपनानी है उसको कहते हैं लाइसेंसर, ठीक है ना। तो मे टेक मंथ्स, इसमें कई महीने लग सकते हैं, ठीक है ना, इसको एस्टेब्लिश करने में, इसके एफिकेसी को,
यानी कि फेज 3 ट्रायल्स के फाइनल एनालिसिस जो होगा उस पर आधारित, ठीक है ना, एस्टेब्लिशिंग द एफिकेसी, मतलब कि एफिकेसी को स्थापित करना, जो कि बेस्ड होगा, जो कि आधारित होगा किस चीज़ पर, फेज 3 के जो ट्रायल्स होंगे उसके फाइनल एनालिसिस पर, और फुल लाइसेंसियर को जो है आप स्थापित करने में जो है आपको कई महीने लग सकते हैं। टिल देन, तब तक इट इज़ रैशनल, ये तर्कसंगत है और वैज्ञानिक भी है ऑन द पार्ट ऑफ एनीवन, किसी के लिए भी, टू चूज और डिक्लाइन अ वैक्सीन, कि वो एक वैक्सीन को चयन करे या उसको अस्वीकार करे, ऑन द बेसिस ऑफ वेदर द पोटेंशियल रिस्क आउटवे द बेनिफिट्स, इस आधार पर कि क्या इसकी जो संभावित खतरे जो हैं वो इसके बेनिफिट से ज़्यादा हैं क्या, मतलब कि उसमें खतरे ज़्यादा हैं क्या इसके बेनिफिट से, इसके लाभ से। गिवेन इंडियाज एक्सपीरियंस विथ चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशंस एंड एडमिनिस्ट्रिंग मिलियंस ऑफ डोजेस इन एक्सट्रीमली डाइवर्स ज्योग्राफिकल कंडीशंस, देयर इज रीजनेबल कॉन्फिडेंस दैट द कंट्री हैज़ द एग्जीक्यूटिव एबिलिटी टू स्केल अप वैक्सीनेशन। कहा जा रहा है कि इंडिया का जो एक्सपीरियंस है उसको देखते हुए, ये एक्सपीरियंस किस चीज़ से संबंधित है, विथ चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन, यानी कि जो बच्चों को जो इम्यूनाइजेशन जो की जाती है, यानी टीकाकरण जो की जाती है बच्चों का, और जो एडमिनिस्ट्रिंग मिलियंस ऑफ डोजेस और लाखों खुराकें दी जाती है इन एक्सट्रीमली डाइवर्स ज्योग्राफिकल कंडीशंस, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अत्यंत विविध भौगोलिक परिस्थितियों में जो लाखों खुराकें दी जाती है उसका अनुभव को देखते हुए और चाइल्ड इम्यूनाइजेशन के अनुभव को देखते हुए, ठीक है ना, देयर इज़ रीजनेबल कॉन्फिडेंस, एक पर्याप्त, एक रीजनेबल, एक उचित विश्वास है कि दैट द कंट्री हैज़ द एग्जीक्यूटिव एबिलिटी, कि देश के पास एक एग्जीक्यूटिव एबिलिटी है, यानी कि इसको एक एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यकारी कह सकते हैं, या मतलब कि इसको पूरा करने की ताकत है, इसके पास क्षमता है, ठीक है, टू स्केल अप वैक्सीनेशन, मतलब कि टीकाकरण को बढ़ाने के लिए इसके पास कार्यकारी क्षमता है। द अप्रूवल ऑफ द वैक्सीन्स अर्लियर दिस मंथ हैज सीन डिविजन्स अमंग साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स देमसेल्व्स ऑन द सेगेसिटी ऑफ द गवर्नमेंट प्रमोटिंग बोथ कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन एज बीइंग इक्विवेलेंट टू वन अनदर। ये जो अप्रूवल दिया गया वैक्सीन्स का अर्लियर दिस मंथ, इस मंथ के शुरू में, ठीक है ना, इसके वजह से जो है डिविजन्स देखे गए, किसमें डिविजन्स का मतलब कि मत भिन्नता, यानी कि एक दूसरे से सभी जो है एक दूसरे, मतलब कि एक दूसरे सभी के मत जो है मिलते नहीं थे, मतलब उसमें डिवीजन था। तो हैज सीन डिवीजन्स अमंग साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स देमसेल्स, मतलब साइंटिस्ट और डॉक्टर्स के बीच ही जो है डिवीजन्स देखे गए, किस चीज़ को लेकर, ऑन द सेगेसिटी ऑफ द गवर्नमेंट प्रमोटिंग बोथ कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, यानी कि इस मतलब सरकार के द्वारा जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों को जो है प्रमोट करने की जो अकलमंदी है सरकार की, उसके ऊपर जो है साइंटिस्ट और डॉक्टर्स के बीच जो है मतभेद देखे गए। इसको किसके रूप में प्रमोट किया जा रहा था, एज बीइंग इक्विवेलेंट टू वन अनदर, ये जो है एक दूसरे के समकक्ष हैं, इसके रूप में प्रमोट करने की सरकार की जो अकलमंदी है, जो एक तरीके से उसकी बुद्धिमत्ता है, ठीक है ना, सेगासिटी, उस पर जो है डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के बीच जो है मतभेद रहा देखा गया, ठीक है ना, ये अप्रूवल जो वैक्सीन्स को किए गए थे, दे आर नॉट, ये जो है बिल्कुल ऐसा नहीं है, दोनों एक मतलब इक्विवेलेंट नहीं है। कोवैक्सीन इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड एज पार्ट ऑफ ए क्लिनिकल ट्रायल, कोवैक्सीन जो है वो दिया जा रहा है एक क्लिनिकल ट्रायल के हिस्से के रूप में, और इसकी जो एफिकेसी है वो अभी इस्टेब्लिश नहीं हुई है, वो साबित नहीं हुई है। ऑल द वैक्सीन्स ऑन ऑफर इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड किंगडम हैव सम
जितने भी सारे वैक्सीन्स हैं जो ऑफर में मतलब जो दिए जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में और यूनाइटेड किंगडम में, हैव सम इनसफिशियंट नॉनतलरेस, ठीक है ना। मतलब कि हालांकि नॉनतलरेस का मतलब कि बावजूद कि ये जो है इनसफिशियंट है, उसके बावजूद भी, ठीक है ना, उसमें कुछ एफिकेसी डाटा है, ठीक है ना, उसमें कुछ एफिकेसी डाटा है, और इसलिए जो है यह कहीं ना कहीं एक विश्वास को जगाता है, ठीक है ना, इंस्पायर करता है। रादर देन डिसमिस कंसर्न्स एज र्यूमर मॉन्गरिंग एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड, द गवर्नमेंट हैज़ टू वर्क डबली हार्ड टू इंश्योर दैट एन ऑनेस्ट अप्रेजल ऑफ द वैक्सीन प्राइस इज रैपिडली डिसएमिनेटेड। यानी कि इसके बजाय कि आप जो है चिंताओं को खारिज कर दें इसके रूप में, र्यूमर मॉन्गरिंग यानी कि अफवाह फैलाने के रूप में, या फिर जो है ये राजनीतिक रूप से प्रेरित है ये कंसर्न्स, ठीक है ना, उसको खारिज करने के बजाय उन कंसर्न्स को, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, उनको जो है और ज़्यादा काम मतलब कि और दुगुना काम करना पड़ेगा, दुगुनी मेहनत करनी पड़ेगी ये सुनिश्चित करने के लिए कि एक ईमानदारी पूर्वक जो अप्रेजल होगा, मूल्यांकन होगा वैक्सीन के प्रोवाइस का, ठीक है, उससे जो है उस मूल्यांकन को जो है तेजी से डिसएमिनेट किया जाएगा, लोगों के बीच में प्रसारित किया जाएगा। दोज लाइंग लाइनिंग अप फॉर शॉर्ट्स आर एडल्ट्स, वे जो व्यक्ति जिनको कि शॉर्ट्स लग रहे हैं मतलब जिनको वैक्सीन दी जा रहे हैं वो एडल्ट्स होंगे हैं, एंड अ सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन ऑफ देम, और उनमें से एक बड़ा हिस्सा जो है फार मोर मेडिकली लिटरेट, वो कहीं ज़्यादा मेडिकली लिटरेट हैं, यानी कि उनको जो है मेडिकल की समझ जो है, चिकित्सा शास्त्र या चिकित्सा शास्त्र नहीं कहें, या चिकित्सकीय रूप से जो है वो कहीं ज़्यादा साक्षर हैं देन द एवरेज इंडियन, ठीक है ना, एवरेज इंडियन की अपेक्षा वो कहीं ज़्यादा लिटरेट हैं, वो कहीं ज़्यादा जानकार हैं मेडिकली, यानी कि मेडिकल टर्म्स में। एंड ऑल आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, और सरकार के सभी अंग को जो है उनको उसी तरह ट्रीट करना चाहिए। इट इज़ देयर एक्सपीरियंस दैट विल परकोलेट, ये उनका ही अनुभव होगा जो कि नीचे तक यानी कि लोगों के बीच, आम आदमियों के बीच जो है वो अनुभव जाएगा और इन्फ्लुएंस करेगा, यानी कि एक तरीके से प्रभावित करेगा एडॉप्शन ऑफ द वैक्सीन्स, ठीक है ना, वैक्सीन्स के यानी कि टीके के अपनाने को प्रभावित करेगा एमंग द लार्ज पॉपुलेशन, मतलब कि लार्जर पॉपुलेशन यानी कि बड़े जनसंख्याओं के बीच जो है वैक्सीन को अपनाने के लिए ये प्रभावित करेगा। तो दोस्तों आज का एडिटोरियल आपको कैसा लगा ये अपना फीडबैक जरूर दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।